स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पे कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो डालते हैं जिससे आपको परीक्षा मदद मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में। मुझे कुछ कमेंट आए थे कि सर आपने कहा था केवी और एमवी वाली वीडियो बनाने के लिए कितने होते हैं इसमें मेमोरी स्टोरेज पे, डिस्क स्टोरेज की क्या स्पेस होती है उस पर, तो मैं भूल गया था एक्चुअली। मुझे फिर याद आया कि हाँ इसको पे एक वीडियो बनाना चाहिए। एक्चुअली ये कंप्यूटर का है तो बहुत बेसिक मेथड, लेकिन जनरली एक क्वेश्चन इससे कभी उस एक नंबर के लिए है ये वीडियो। क्या है इसमें आइए देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन जनरली एक आता है ये कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं, या तो ये क्वेश्चन बनता है, या तो बनता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, और ऑप्शन में दिया रहता है बीट, बाइट, केबी, एमबी, या तो ये बनता है दूसरा क्वेश्चन, या तो तीसरा क्वेश्चन बनता है कि केबी, एमबी, जीबी में, टीबी में कौन सबसे छोटा है। ये तीन क्वेश्चन होते हैं। एक इस टाइप का होता है कि केबी, एमबी और जीबी जो है टीबी, ऐसे चारों दिया हुआ है, या बीट, बाइट, केबी, एमबी दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ग्रेटर या उस तरह बनाना होता है, या तो एक होगा कि जोड़े मिलाने का हो जाता होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है वो आप जान लीजिए। सबसे छोटा होता है बिट, BIT लिखते हैं उसको, बिट सबसे छोटी यूनिट होती है। उसके बाद आता है बाइट, BYT लिखते हैं बाइट, वो सब दूसरे नंबर पर यूनिट होती है। उसके बाद जनरली बिट और बाइट हमको पता नहीं चलता है क्योंकि डिजिट होती है वो कंप्यूटर की 0-1 के फॉर्म में होता है, तो वो हमको दिखता तो नहीं है, लेकिन सबसे छोटी इकाई उसको मानी जाती है। जो हमको दिखता है वो होता है KB, MB, GB और TB, ये चार हमको दिखते हैं अक्सर। तो जैसे KB आप कैसे देखें, अगर आप कोई इमेज डाउनलोड करें तो जनरली इमेज KB में रहती है। अब तो हाई डेफिनेशन के मोबाइल लगे तो वो MB तक पहुँच जाती है, नहीं तो पहले वो KB में रहते थे। कोई GIF बनाइए KB में आएगा। MB आप अगर कोई MP3 डाउनलोड कीजिए कोई सॉन्ग, तो देखिए वो MB में आएगा, 4 MB, 5 MB, 10 MB, जैसी आपकी डेफिनेशन होगी उसकी। GB आप कैसे देखते हैं, GB आप मूवी अगर कोई अच्छी हाई डेफिनेशन की मूवी डाउनलोड कीजिए तो लगता है, या फिर आप ये देख सकते हैं कि जैसे मोबाइल में जैसे Jio है पर डे 1 GB दे रहा है, तो वो GB है वो, ठीक है। और TV को अगर आप जानना चाहते हैं तो TV आप अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो इस दौर में जैसा अभी चल रहा है, अभी तक तो इससे पहले नहीं था, लेकिन अब जो आपको 1 TB तक का आपको मिल जाएगा हार्ड डिस्क स्टोरेज जो होता है उसका 1 TB तक का मिल जाएगा। रैम आपको MB में मिलती है, 4 MB तक मिलती है, 8 MB तक मिलने लगी, टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो गई है। तो इस तरीके से है, तो आपको ये तो याद होना चाहिए सबसे बेसिक यूनिट जो है वो बिट है। अब KB, MB, GB, TB ये इसमें कैसे याद होगा, इसको आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। मैं अगर मुझसे कहा जाए, मतलब किसी को बेसिक एकदम समझाना हो तो उसके लिए ये कर लेते हैं कि KMGTE कर लें, या फिर K से कर लीजिए क्या, M से कर लीजिए माँ, और G से कर लीजिए जी, क्या माँ जी, और TB को TB से याद कर लीजिए क्या माँ जी TB जी। इससे आपको याद रहेगा कि क्या सबसे छोटा है इसमें, फिर MB है, फिर GB है। तो इस तरीके से आपको ये याद रहेगा, आप अपने तरीके से भी कुछ बना सकते हैं, ये याद रहेगा। अब इसमें ये देख लीजिए कि 10-24 बाइट्स में 1 KB होता है, ठीक है, और 10-24 KB में 1 MB होता है, या ये कह लीजिए 1 MB में 10-24 KB होता है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे होता 10-24 है, लेकिन जनरली लोग इसको 1000 मान के चलते हैं, लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाए तो इसको 10-24 ही कहते हैं। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, 10-24 को याद करने के लिए वैसे तो ये याद हो जाना चाहिए, नहीं याद होता है तो 1-2-4, आपने गाना भी सुना होगा 1-2 का 4, तो उससे याद कर लीजिएगा कि 1-2-4 बीच में एक जीरो लग जाएगा, तो उससे आपको याद रहेगा। जितने भी हैं सब में यही होगा। अगर आपको क्या माँ जी TV याद है तो आप इससे निकाल लेंगे कि MB पूछता है 1 MB में, तो MB से छोटी क्या है, तो आपको याद आ जाएगा क्या, क्या से के याद आ जाएगा, सीधी सी बात है 1024 छोटा होगा वो, मतलब 1 MB में 1024 KB होगा। अगर TB पूछ लेता है तो 1 TB में उसके जस्ट नीचे क्या है, GB है, तो GB कितना हो गया, 1024 GB हो गया। अब इसी तरह अगर TV और MB में पूछ लेता है तो आपको ये दो बार जोड़ लेना होगा, इतना तो बेसिक है ये मैथ का। तो ये है एक्चुअली, तो इसमें मैंने टाइप बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस इतना ही इससे आता है और इससे कुछ आता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ए टू ऑल नॉलेज अड्डा।